एक सर्कुलर सेक्टर है, और इस सर्कुलर सेक्टर का मेरे बच्चों मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है यार। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसको निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला ये है कि डिफरेंशियल एलिमेंट आर्क लूँ, इस टाइप से लूँ, फिर इसको निकालूँ, एक तो तरीका ये हो गया। उस जो डिफरेंशियल एलिमेंट लोगे दैट आर्क, उस आर्क का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा, यहाँ से एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप लू, ट्रायंगुलर, तो उस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास पता हो तो, ठीक है। तो ट्रायंगल का हम लोग किए हैं तो हम लोग इसको ट्रायंगल से ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब मैं ये पूरा का पूरा एंगल मैं 2 अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है। 2 अल्फा ले लेता हूँ, और 2 अल्फा से यहाँ से मैं कुछ एक थीटा डिग्री पर चला गया, ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, डिफरेंशियल इलेमेंट, ठीक है। और ये एंगल कुछ थीटा है, ये एंगल कुछ थीटा है, और ये जो एंगल है दैट इज डी थीटा का इलेमेंट है, और इसकी रेडियस आर है। सबसे पहले तो मुझे इसकी एरिया ही नहीं पता भैया, वी डोंट नो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप या दिस इलेमेंट, हमें इसकी एरिया नहीं पता है। तो ये जो है, अगर मैं इसको जूम करके बनाऊं, तो जूम करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये एंगल है डी थीटा, और ये रेडियस आर है, तो ये आ जाएगा आर डी थीटा, आर डी थीटा, ये वाली एंगल, ये आर डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। इसकी जो एरिया आ जाएगी, इसकी एरिया, इस ट्रायंगल एलिमेंट की एरिया, स्मॉल एलिमेंट है तो एरिया स्मॉल है, हाफ बेस आर और हाइट आर डी थीटा, तो कुल मिला के ये बना आर स्क्वायर डी थीटा और डिवाइडेड बाई 2, आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई 2, दैट इज स्मॉल एरिया डी ए, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्मॉल एरिया डी ए इज आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। चलो, तो अगर ये स्मॉल एरिया आ गया तो सबसे पहले हमें उसकी पूरी एरिया निकाल, अगर मैं इसकी पूरी एरिया निकालूं तो मुझे क्या चाहिए, तो टोटल एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज इंटीग्रल ऑफ दिस एरिया, इंटीग्रल ऑफ थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, देखो लिमिट जाएगी यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 था, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 था, तो लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, तो ये माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा लिमिट चली जाएगी। तो ये जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा और माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, तो माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, दैट टू प्लस अल्फा माइनस माइनस 2 अल्फा, तो टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा आर स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर अल्फा द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, स्क्वायर अल्फा इस सेक्टर की एरिया आ गई, क्लियर है। समझना, अभी ये पूरा नहीं हुआ। अब हमें जो है फार्मूला जो लगाना है वो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में आएगा। देखो इस तरह से मैं रखा हूं कि जितना मास ऊपर है उतना मास नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में ही आएगा। आर स्क्वायर अल्फा याद रखना इसका एरिया है। तो जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, 1/मास 1/एरिया और एक्स कोऑर्डिनेट और डी एरिया, और लिमिट जाएगी माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। तो एक्स, अब इसमें एक्स भी निकालना है। एक्स क्या है, एक्स जो एलिमेंट लिया गया है, ये जो एलिमेंट लिया गया है, इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है। अब इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, देखो तो यहाँ मान लो यहाँ कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, यहाँ, तो ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, अगर ये थीटा है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल में जो होता है, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास 2r/3 पे होता है, तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2r/3 और कॉस थीटा। नहीं समझ में आया, अरे 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 अरे, अरे नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया। देखो जो ट्रायंगुलर प्लेट होता है, जो ट्रायंगल होता है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से, इस बेस से यहाँ से, ये सेंटर ऑफ मास होता है और यह 2r/3 पर होता है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये थीटा है, तो ये यहाँ एक ट्रायंगल बन गया ना, इस टाइप से यहाँ एक ट्रायंगल बन गया है। तो ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास है ट्रायंगुलर एलिमेंट का, और ये 2r/3 पे से होता है, और ये थीटा है, ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2r/3 कॉस थीटा, ठीक है ना। ये
चलो तो सबसे पहले अब मैं एरिया आर स्क्वायर अल्फा में बाद में रखूंगा, सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ये वाली चीज कितनी आती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं निकालूं तो 1 अपॉन एरिया आर स्क्वायर अल्फा, और एक्स कोऑर्डिनेट ये 2r बाई 3 कॉस थीटा, 2r बाई 3 कॉस थीटा, एंड एरिया जो एरिया है डीए वो एलिमेंट वो इसकी जो छोटी एरिया है वो हम पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है, छोटी एरिया इधर निकाले थे बेस 1/2 r r² d थीटा, ठीक है। तो जो छोटा एरिया आया था वो उसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ r² d थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द अब इंटीग्रेशन माइनस अल्फा से 2 प्लस अल्फा लिमिट, ठीक है। तो 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, ठीक है, और एक आर ने एक आर को ख़त्म कर दिया, तो ये आ जाएगा r अपॉन 3 अल्फा एंड दैट इज द कॉस थीटा माइनस अल्फा से प्लस अल्फा लिमिट एंड दैट इज डी थीटा। आर स्क्वायर बाहर आ गया और एक आर कट कर गया, तो ठीक है चलो अब इसको इंटीग्रेट कर लो। तो आर और ये 3 अल्फा इसको इंटीग्रेट करोगे तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो साइन थीटा और जो लिमिट जाएगा माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब आर बाई 3 अल्फा और यह आ जाएगा साइन अल्फा और माइनस साइन माइनस अल्फा, कुल मिला के 2r sin α / 3α दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। अगर सेक्टर है, ठीक है, हाँ अगर इस टाइप का सेक्टर है तो उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अगर एक सेक्टर है, ठीक है, ये मासेज एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, बी केयरफुल, मासेज एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आएगा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, और दिस डिस्टेंस वाई इज इक्वल टू वो आ जाएगा 2r upon 3 साइन अल्फा एंड डिवाइडेड बाई अल्फा एंड बी केयरफुल दिस टोटल एंगल इज 2 अल्फा। किसी किसी बुक में ये पूरा एंगल अल्फा था या थीटा बाई टू आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द मासेज डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।